अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ समोसे रोल की शीट्स की रेसिपी, कि इसको किस तरह से हम तैयार करके रख सकते हैं और किस तरह से हम इसको डीप करके रख सकते हैं। ये दोनों तरीके आज मैं आपको बताऊँगी इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, और वो भी इतनी सॉफ्ट। देखिए कितनी सॉफ्ट सी ये तैयार हुई है और इसमें कोई क्रैक भी नहीं आएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शीट्स तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने मैदा लिया है 2 कप। मैदे को हमने अच्छे से छान के फिर इस्तेमाल करना है। तेल लिया है हमने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत, नमक 1/2 टीस्पून, पानी आटा गूंदने के लिए जो हमने इसका पानी लिया है ये हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक बाउल में हम मैदा ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम इसमें अभी ऑयल ऐड करेंगे, बाकी हम बचा लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अभी हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, और साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक डो गूंद लेंगे। यहाँ पर हमें डो ना ज़्यादा सख्त गूंदनी है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदनी है, एक नॉर्मल सी हम डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और हाथों की मदद से अच्छे से इसको इस तरह से गूंद लेंगे जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। अब इसको इस तरह से पंच करते हुए अच्छे से गूंद लेंगे। इतना अच्छा सा आपने इसको गूंदना है कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। साइडों से भी जो है आटा वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको इस तरह से पंच करेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हमने इस तरह से इसको पंच किया है। अब यहाँ पर हम इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से पूरा इसको ऑयल में कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका कवर हटाएंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से पंच कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से पंच करेंगे। देखें अच्छी तरह से हमने इसको पंच कर लिया है, और ये देखिए कितना अच्छा सा ये हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके इस तरह से पेड़े बना लेंगे। देखें इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से हम सारे पेड़े बना बना कर रख लेंगे। देखें इस तरह से हमारे पास 5 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको हम एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे, इसको मैदे में इस तरह से कोट करेंगे और इसकी एक इस तरह से चंगरी बना लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। इस तरह से हम सारी बना बना कर रख लेंगे। देखें इस तरह से हमने सारी चकरियां बना ली हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेंगे और मैदा डस्ट करेंगे और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ी हमें नहीं बेलनी है, पूड़ी के साइज़ की हम इसकी पहले रोटी बेल लेंगे। देखें इस तरह से हमने एक रोटी बेल ली है, इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे और इस तरह से हम सारी बेल लेंगे। देखें 5 रोटियों को हमने इस तरह से बेल लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इस रोटी के ऊपर ऑयल लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम इस पर ऑयल लगाएंगे, ब्रश से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि ये रोटियाँ एक दूसरे से चिपके ना, और साथ ही हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे। मैदा डस्ट करने के बाद जो हमने रोटियां तैयार करके रखी हुई हैं, इस तरह से एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर भी हम दोबारा से इस तरह से ऑयल को ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। दोबारा से एक रोटी उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे, इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे। चौथी रोटी को भी उठाएंगे और इसी तरह से सेम इसके ऊपर रख देंगे, इसको भी हम ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस पर भी हम मैदा अच्छे से डस्ट कर लेंगे। और ये जो लास्ट रोटी है इसको अब हम इसके ऊपर रख देंगे और अब इसको हम बस हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको बेल लेंगे। देखें इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। मैदा और तेल लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम इनको अलग करेंगे सेकने के बाद, तो ये हमारी आसानी के साथ अलग हो जाएंगी, एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। और देखें ये हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसको हम पहले एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर हमने एक तवा ले लिया है और इस रोटी को हम तवे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे इसका बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम को हमने हाई नहीं करना है,
बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसका सिर्फ कलर जो चेंज होगा उसका वेट करेंगे। देखिए इसका कलर हल्के हल्के से चेंज होना शुरू हो गया है, ट्रांसपेरेंट सा कलर जब हम इसका हो जाएगा, अब हम इसको अच्छे से टर्न कर लेंगे बिल्कुल आराम से इस तरह से। देखें इस तरह का जब कलर आ जाएगा ट्रांसपेरेंट सा, तब हमें इसको टर्न करना है। देखें ये इसका कलर चेंज हो गया है और अब यहाँ पर हम इसको उतार लेंगे। देखें गरम गरम ही हम इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से अलग कर लेंगे, बिल्कुल आराम आराम से हमें करना है। देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी शीट्स तैयार हुई हैं, बिल्कुल एहतियात के साथ आप इसको अलग करेंगे। देखें सारी शीट्स को हमने इस तरह से अलग कर लिया है और देखें ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। देखें आपको हाथ नज़र आ रहा होगा इसमें से, तो इसका मतलब है ये हमारी शीट जो है ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर रोटी को चकोर करने के लिए हम इसके जो साइड्स हैं वो कटिंग कर देंगे, बिल्कुल आराम आराम से हम इसके जो साइड्स हैं वो कटिंग करेंगे। देखें इस तरह से हमने इसको बिल्कुल इक्वली कटिंग कर लिया है। और अगर आपको अब रोल बनाने हैं तो आप इसको ऐसे ही स्क्वायर रहने देंगे, और अगर आपको समोसों के लिए बनानी है तो आप इसको सेंटर में से इस तरह से टू पीस में कटिंग कर लेंगे। तो देखें ये हमारी समोसे की पट्टियाँ तैयार हैं, देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई हैं। और देखें बिल्कुल आसानी के साथ आप इसके साथ समोसा भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से समोसे को इस तरह से तैयार कर लेंगे ज़बरदस्ती, और देखें कितनी सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुई हैं, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है और बहुत ज़बरदस्ती ये बनकर तैयार हुई हैं। ज़बरदस्ती हमारी शीट तैयार है और इसको आप डीप भी करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। और इसको डीप किस तरह से करना है, सिंपल हम एक कोई भी इस तरह का शॉपर ले लेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर इस तरह से इसको रख देंगे ताकि ये बिल्कुल भी सूखे ना, ये ड्राई ना हो। और देखें बिल्कुल इस तरह से जैसे बाज़ार से आती है इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे। और देखें ज़बरदस्ती हमारी शीट्स बिल्कुल तैयार हैं, इसको हम डीप भी करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इससे समोसे बनाएं, रोल बनाएं, जो भी आपको बनाना हो फ़ौरन से शीट्स निकालें और बिल्कुल आसानी के साथ बना कर रख सकते हैं आप। और जो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा निकला है इसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप अच्छे से फ्राई करके इसको आप चाट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।